दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपोज़ करो आपके मार्क्स 45 हैं और मेरा भी मार्क्स 45 है, तो फिर जो इनरोलमेंट बनेगा उस इनरोलमेंट में किसका नाम पहले आएगा और किसका बाद में आएगा। और उसी तरह से दोस्तों PSL में भी होता है, तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सेम मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे हैं तो किनका रैंक आगे जाता है, किनका रैंक पीछे होता है और ये किस क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। तो हम इस वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा और दोस्तों जितना हो सके चैनल को शेयर करना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो दोस्तों आप यहां पे देखो कि मैं आपको और एक उससे पहले एक और बात मैं बता देता हूं कि सपोज़ करो कि दोस्तों आपको जानना है कि आपकी रैंक क्या है, तो आप तो यहां से रैंक तो सीधा देख ही सकते हैं कि आपका रैंक क्या है PSL में। सपोज़ मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अनफिट और अबसेंट हटा के कितना रैंक बनता है। तो दोस्तों सपोज मान के चलो कि ये वाला जो है सारजू निषाद, ये सपोज़ जो है फिट वाले कैंडिडेट हैं और ये अपना रैंक जानना चाहते हैं, तो ये अपने से ऊपर एक दो इस तरह से जितना भी लड़के होंगे उसको काउंट करेंगे। मान के चलो कि इनसे ऊपर अगर 100 लड़के होते हैं, इनसे ऊपर अगर 100 लड़के होते हैं अनफिट और अबसेंट, वैसे 100 तो नहीं होंगे लेकिन मैं सपोज़ माना कि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और आपको इस तरह से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अपना रैंक एग्जैक्ट जान पाएंगे, सही जान पाएंगे। मैं सपोज़ बोल रहा हूँ कि सपोज़ करो कि आप जो है जब आप ऊपर काउंट किए तो आपको टोटल अनफिट और अबसेंट मिला कि आपको 100 लड़का मिला और आप देखो आपका रैंक कितना है, आपका रैंक है 4297। तो आप 4297 में 100 को माइनस कर दो तो आपका जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा 4197। तो दोस्तों ये बहुत ही दोस्तों जो है ये सबको पता होना चाहिए, तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा बात बता रहा हूँ, मेरे से कई लड़के पूछ रहे थे तो मैं सोचा कि मैं इस वीडियो में ही अपडेट दे दूँ। तो चलो दोस्तों अब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ, मैंने जो है 2-3 लड़कों का ये डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद मैं उनका रैंक से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे दो लड़के से मैंने मार्क्स पूछा है, सपोज़ नहीं दोस्तों ये कंफर्म है, ये जो वीरेंद्र मालविया है इनसे मैंने मार्क्स पूछा है और उसके बाद और एक मेरे यहाँ पे फ्रेंड है जिनका कि सेम मार्क्स है। यहाँ पे देख लो इनका जो रैंक है वो है 4324 और सेम ही मार्क्स पे एक जो है लड़के हैं मेरे मतलब कि मेरे दोस्त ही हैं, तो उनका जो रैंक है वो है 4358। ये वाला आप देख लो, तो ये है आप देख रहे हैं कुशलेंद्र कुमार, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों कैंडिडेट फिट है। तो अब बात आता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ पे ये डिपेंड करता है, तो दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका एज ख़त्म होने वाला है तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। अब मैं आपको ये बात कैसे बता रहा हूँ, आप जाके इसका रैंक देखो, मैंने जो अभी आपको इससे पहले रैंक बताया 4324 वाले रैंक को देखो, ठीक है 4300। मैं आपको इधर में एक डाटा कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको रख के तब बता देता हूँ। ये सपोज़ करो कि मैंने बताया आपको कि ये जो है आपका है 4324 रैंक वाले का, ठीक है, जिनका कि 4324 है और ये इधर में मैं जो डाटा लिखूँगा वो लिखूँगा 4358 रैंक वालों का। तो देखो अब दोनों में अंतर कहाँ पे होता है। दोस्तों अगर मैं दोनों का बात करूँ, डेट ऑफ बर्थ का बात करूँ, तो आप देखो कि डेट ऑफ बर्थ में कैसे जो है यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, एक मिनट दोस्तों छोटा करना पड़ेगा। तो देखो इनका जो रैंक है, जिनका कम रैंक है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15-10-2002। आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद इस लड़के का जो रैंक है वो आप देखो कि इनका जो रैंक है वो है 2-2-2001 है इनका रैंक, ठीक है। तो अब बताओ इनका जो एज है वो तो निकल जाने वाला है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ पे होता है, जिनका एज निकलने वाला होता है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो बताओ इनका जो रैंक था वो ऊपर होना चाहिए था, तो फिर इनका रैंक तो ऊपर नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो आपका जो क्राइटेरिया है वो डेट ऑफ बर्थ से मतलब नहीं रहता है, डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि किस पे डिपेंड करता है।
तो अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर मैं मार्क्स का बात करूं, इन दोनों की अगर मैं मार्क्स का बात करूं, तो मैं आपको यहां पे बताऊं कि इनका भी मार्क्स है 45.75 और इनका भी मार्क्स है 45.75। ठीक है, अब देखो चेंजेस कहां पे आ रहा है। इनका भी मार्क्स है 45.75। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनका जो इंग्लिश का मार्क्स है क्लास जो है, मतलब कि एयरफोर्स एग्ज़ाम में इनका इंग्लिश का मार्क्स है 12 और इनका है 13। तो अब इंग्लिश का अगर मार्क्स देखा जाए तो इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इनका जो रैंक है वो आगे होना चाहिए था, लेकिन ये भी मैच नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आता है कि क्या फिजिक्स के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो मैं जो डाटा लिया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं भी फिजिक्स के मार्क्स पर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो इनका जो आपको रैंक बताया था, जिनका रैंक 4324 है, उनका जो फिजिक्स में मार्क्स है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और यहाँ पर आपको मैं उनका बताऊँगा 4358 वाले का। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि फिजिक्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनका जो फिजिक्स में मार्क्स है वो 13 है और इनका है 11.75। तो आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये आगे हो गए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो है फिजिक्स के मार्क्स पे भी डिपेंड नहीं करता है। मैंने और एक लड़के से पूछा था तो दोनों का सेम ऐसा यही कंडीशन था, तो एक का जो मार्क्स का उल्टा था, जैसे कि आपको हो रहा है यहाँ पर लग रहा है कि इनका जो फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स है इसीलिए ये आगे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या ट्वेल्थ के, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि ट्वेल्थ के इंग्लिश के मार्क्स पे डिपेंड करता है, तो चलो मैं आपको ट्वेल्थ के इंग्लिश का भी मार्क्स बता देता हूँ। इनका जो मार्क्स है ट्वेल्थ का इंग्लिश में वो भी है 69 और इनका भी है 69। तो बताओ अब ये दोनों का रैंक में इतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, तो फिर आप देख लो कि ट्वेल्थ में भी सेम मार्क्स है लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि डिपेंड किस पे करता है। दोस्तों इसका जो मेन डिपेंड करता है वो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स पर डिपेंड करता है। ट्वेल्थ के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना है। अगर आप अभी एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूं कि दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि 0.25 मार्क्स भी आपका जो है किस्मत बदल सकता है और आपका किस्मत जो है ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए आप दोस्तों इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लेना और जितना हो सके प्रिपरेशन करना। ठीक है, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप जो भी डाटा देख रहे हो उससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 0.25 मार्क्स की क्या अहमियत होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये किस पर डिपेंड करता है। जिनका रैंक 4324 है और जिनका रैंक 4358 है, अगर मैं बात करूं ट्वेल्थ की परसेंटेज पे, तो यहाँ पे ये दोस्तों डिपेंड करता है आपका ट्वेल्थ के परसेंटेज पे। इनका जो परसेंटेज है वो है 74% और इनका जो परसेंटेज है वो है 56%। तो फिर अब बताओ आपको क्या लग रहा है कि किस पे डिपेंड करता है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो डाटा है मैंने और दो लड़कों का कलेक्ट किया है, लेकिन उनका मैंने इस तरह से सीक्वेंस वाइज कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन वहाँ से भी मेरे को यही लगा, मतलब मैंने सिर्फ ट्वेल्थ का मार्क्स पूछा तो उनका भी जो रैंक था यही था, जिनके ज़्यादा थे क्लास ट्वेल्थ में उनका रैंक पहले था और जिनके ट्वेल्थ में कम मार्क्स थे उनका रैंक बाद में था। तो मैं इसी डाटा के साथ और इसी एनालिसिस के साथ मैं आपको 100% श्योर दे रहा हूँ कि ये जो PSL का लिस्ट है वो एज वाइज आपका डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है ट्वेल्थ के परसेंटेज पे। मैंने आपको दोनों का यहाँ पे लिख के बता दिया कि किसका कितना मार्क्स था दोनों चीज़ में, तो अब आपको इसमें पूरा जो है डाउट कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मेरे को आपको इतना ही बताना था। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल में बता दिया, आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इनका जो ट्वेल्थ में मार्क्स था, जिनका कम रैंक है 4324 वाले का, उनका 74% था, और इनका जो है 4358 वाले का जो परसेंटेज है वो 56 है। तो दोस्तों इसीलिए ये आगे हो गए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो ट्वेल्थ का परसेंटेज है वो भी बहुत मायने रखता है आपके सिलेक्शन में। इसीलिए अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका एज बचा हुआ है तो आप इस सब चीज़ों को साइड में रख के बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाई करो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों 0.25 के नंबर की वजह से किसी का सिलेक्शन हो जाता
जाता है और किसी का नहीं होता है। तो इसीलिए आपको आई होप कि इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपका जो भी डाउट होगा आप हमें नीचे कमेंट कर देना मेरे को। दोस्तों आप अपना सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर 8757705080802। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको पिक कर लूँगा और आपका जो है सवाल का आंसर दे दूँगा। और दोस्तों अगर आप अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आपसे लाइव बात करूँगा। और आप मेरा पिछले दो वीडियो देखना, मैंने एक एक्स ग्रुप के कैंडिडेट का और एक वाई ग्रुप कैंडिडेट का डाला हुआ है, तो उसी तरह से आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा और मेरे चैनल पर डाला जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कॉल करना, मैं आपसे डेफिनेटली बात करूंगा और आपका जो है इंटरव्यू लूंगा और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि बहुत सारे लड़के जो है मतलब कि एयरफोर्स के प्रति और भी ज़्यादा डेडिकेटेड हो और मोटिवेट हो और बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।